So, students, welcome to today's video. How are you all doing? Hope you all are doing fine. Children, I wanted to show you all these pictures from the book. So, I am following mode where we are carrying on with your seventh chapter tribes, nomads, and settled communities. Lot of things we have discussed, lot of things we have talked about the settled communities. आर ट्राइब्स आई एम सो सॉरी यहाँ पे वी आर दैट ट्राइबल पीपल वे आर इंगेज इन टू डिफरेंट बिजनेस बहुत तरीके का काम करते थे ये लोग ऐसा नहीं है कि आई मीन दे हैव टू रियली वर्क हार्ड फॉर देयर अर्निंग्स एंड डिफरेंट कास्ट पीपल वेर देयर दे ट्रेवल्ड फ्रॉम विलेज टू विलेज एंड uh, क्या क्या काम करते थे रोप्स बनाते थे रीड्स बनाते थे स्ट्रॉ एट्स बनाते थे एंड ऑल दीज मटीरियल्स टू डिस्कस लिखा है ये सारे सामान हाँ वॉट आर दीज मटीरियल्स प्लीज डू डिस्कस इट विथ मी रोप्स आर देयर रीड्स आर देयर स्ट्रॉमेट्स आर देयर ठीक है चटाई जिसको कहते हैं यस चटाई एंड कोर्स एक्स बोरा यस yes, बोरा आई एम एक्सप्लेनिंग दैट्स ऑल ओके देन कभी कभी क्या होता था ये जो मैंट्स है ना हु आर दीज मैंट्स आई विल नॉट टेल यू द मीनिंग यस दीस डेज यू आर नॉट डिस्कसिंग एनी मीनिंग विथ मी So please discuss the meaning of mendicants with me in the next class. Okay, children. They were the uh, uh, wandering merchants. Mendicants were like wandering merchants. Pale to apko mendicants meaning batana hai. Then you have to tell me the meaning of wandering merchants. Yes, I know you will definitely tell me.

बहुत सारे ट्राइब्स थे सोशल ग्रुप्स थे कास्ट पे सोसाइटीज सोसाइटी देयर तो इनको वरना में तो इन लोगों ने शामिल नहीं किया दे देर नॉट इंक्लूडेड इन वर्ना बट देन अ न्यू कैटेगरी वॉज फॉर्म्ड विच वॉज कॉल्ड एज जाति यस वेयर देयर आर्टिस्ट जो मतलब कपड़े उपड़े बनाने का काम करते हैं ब्लैक स्मिथ्स वेर दे आर कारपेंटर्स मेसन दे वे आर ऑल रिकगनाइज एज सेपरेट जाति ब्राह्मण्स ने इनको अलग से जाति का एक दर्जा दिया हुआ था सो so, जातीज क्या होता था ना रेदर देन वर्ना बिकेम द बेसिस फॉर ऑर्गेनाइजिंग सोसाइटी सोसाइटीज वे आर ऑर्गेनाइज सोसाइटीज वे आर बेस्ड ऑन द बेसिस ऑफ जाति पहले वर्ना था आई मीन इन द देशियन टाइम्स देर वॉज वर्ना लेकिन जैसे जैसे टाइम चेंज होता गया इस वर्ना की जगह किसने ले ली जाति ने जाति हैज टेकन द प्लेस ऑफ गॉट इट नाव जाति में क्या हुआ जाति के बारे में एक बहुत ही अच्छा सा ये एक uh, पैराग्राफ दिया हुआ है लाइक उया डन उदयूर तिरुचिरापल्ली तालुका में सो चिल्ड्रन व्हाट हैपेंड कि जाति के बारे में हमको यू नो हमने हिस्ट्री में क्या पढ़ा है हिस्ट्री में व्हाट वी आर डूइंग इज वी आर टॉकिंग अबाउट द वन थिंग दैट इज इम्पॉर्टेंट इज सोर्स कहां से पता चलता है तो ट्वेल्थ सेंचुरी का एक इंस्क्रिप्शन है आ uh, क्या है उंडन उदयार तिरुचिरापल्ली तालुका में हमको पता चलता है कि जिसमें देर वो सभा सभा के बारे में सेकंड चैप्टर में हमने पढ़ा या आई वॉज टॉकिंग अबाउट इट इन द सेकंड चैप्टर ना उसमें क्या था एक ग्रुप है जाति के एक ग्रुप के बारे में मेंशन है रथकाराज। क्या नाम था जो गाड़ियां बनती है ना पहले तो होती नहीं थी पहले क्या चलता था रथ चलता था बाहुबली मूवी में देखा है यस यू माइट हैव डेफिनेटली सीन यस तो इनका ऑक्यूपेशन के हिसाब से इनका नाम पड़ गया था क्या नाम था रथकारा ओके okay? तो इसमें देर वॉज आर्किटेक्चर बिल्डिंग कोचेज चैरियट्स हर तरीके के कंस्ट्रक्शंस ये करते थे गेटवेज भी बनाते थे फॉर द टेम्पल्स क्योंकि इमेजेस उनके ऊपर होने चाहिए वुडन इक्विपमेंट्स दे यूज टू प्रिपेयर सेक्रीफाइसेस परफॉर्म करते थे बिल्डिंग बंड अप जूल्स फॉर द किंग थिंग्स वेर देयर जो कि कौन बनाता था देयर वाज़ द रथकाराज वेयर देयर जाति वॉज मेजरली बेस्ड ऑन द ऑक्यूपेशन जो आदमी जो काम कर रहा है उसको उसी जाति में डाल दिया जाता था ओके सो दिस इज देयर ना क्षत्रिय में क्या था कि राजपूत तो बहुत पावरफुल थे दे वे आर वेरी पावरफुल पीपल यू ऑल नो इट वेरी वेल सेंचुरी में एंड सेंचुरीज में डिफरेंट लाइनेजेस वेयर देयर आर वेयर देयर रिमेंबर द क्लैंस बे थे चांडेलास शालुक्यास ऑल दीज पीपल वेर फ्रॉम क्षत्रिया ग्रुप क्षत्रिया क्लैन एंड uh, शुरू में ये सारे कुछ इसमें से ट्राइब्स ही थे यस yes, जंगलों में ही रहते थे इट्स नॉट अ मैटर ऑफ जंगलों में रहते थे पहले तो जंगली होते थे ना तो द तो तो पीपल यूज टू लिव एनी कहीं पे भी रहते थे तो दीज पीपल वेर लिविंग इन द जंगल्स अब इसमें से बहुत सारे मेनी क्लैंस वेयर देयर विच वेर रिगार्डेड एज राजपूत्स क्लैंस क्या थे राजपूत्स तो ग्रेजुअली एंड स्लोली ये जो क्लैंस थे दे रिप्लेस ओल्ड रूलर्स पुराने एरियाज में अ डेवलप्ड सोसाइटी वॉज इमर्ज एक सोसाइटी डेवलप्ड सोसाइटी बढ़ रही थी

ग्रेजुअली क्या हुआ ब्राह्मण्स के सपोर्ट से मैनी ट्राइब्स बिकेम पार्ट ऑफ द कास्ट जंगलों में रहते थे ठीक है दे यूज टू डू दिस जंगलों में रह के हंटिंग गैदरिंग यही काम करते थे लेकिन ग्रेजुअली एंड स्लोली वॉट हैपेंड कि ट्राइबल पीपल वे रिकॉग्नाइज्ड रिकोगनाइज इन द कास्ट ओनली उनको भी शहरों में ले आया गया एंड शहरों में ही उनको बताया गया कैसे रहना है क्या करना है तो वो भूल गए कि दे वेर फ्रॉम द ट्राइबल ग्रुप जंगली जनजाति थे वो वो इस चीज़ को भूल गए एंड लोअर वेर देयर कास्ट सोसाइटी में On the other hand, uh, big tribes were there, dominant tribes were there, Punjabs in the Northwest Frontier province. Mein. Uh, they adopted Islam. In One na? they they accepted Islam and they rejected the caste system. Unequal social order tha. Orthodox Hinduism, tha. Uh, uh, people were not accepting it in these areas. Ye sare areas me Orthodox people uh, were there who were not accepting uh, many things, and uh, as a result, kya hua ki there was social change among the tribal group. Some people were there who were there in the jungles, and some of them came and settled in the cities. इसमें टू बिग एग्जाम्पल्स दैट आर देयर जो एग्जाम्पल्स के बारे में हम बात कर रहे हैं चिल्ड्रेन वी आर टॉकिंग अबाउट टू ऑफ देम हु केम एंड सेटल्ड इन द सिटीज ट्राइबल ग्रुप से बिल्कुल जाति आके शहरों में आ गए एंड देखा था पहला ग्रुप था गॉड्स ओके दे लिव्ड इन वास्ट फॉरेस्ट रीजन जिसमें कि आज गोंडवाना लैंड मध्य प्रदेश का जो रीजन है यस एम पी रीजन दैट इज द गोंडवाना एंड कंट्री दैट वॉज इनहेबिटेड बाई दी गोंड्स जिनको जिस एरिया को गोंड्स ने कैप्चर किया हुआ था वेर द गोंडवाना शिफ्टिंग कल्टिवेशन प्रैक्टिस करते थे ये वॉट वॉज शिफ्टिंग कल्टिवेशन जस्ट सी एक्सप्लेनेशन इज मैंशन पहले क्या करते थे ट्रीज एंड बुशेस को ये जला देते थे एंड क्रॉप वॉज सोन इन द एशेस वहाँ की जो राख थी ना उसमें दे यूज टू सो द सीड बीज लगाते थे एज अ रिजल्ट दिस लैंड लूजेज इट्स फर्टिलिटी और जब लैंड की फर्टिलिटी खत्म हो जाती है अनादर प्लॉट ऑफ लैंड इज क्लियर्ड एंड प्लांटेड इन द सेम वे उसी तरह से उस एश में वापस से क्रॉप ग्रो होते हैं अकबर के बारे में हमको पता चलता है अकबर रेन में अकबर नामा में हिस्ट्री ऑफ अकबर दैट इज देयर गोंड किंगडम के बारे में पता चलता है एक बहुत बड़ा सा गोंड किंगडम था एंड द नेम ऑफ दैट गोंड किंगडम वो छो पूरा का पूरा ट्राइबल्स का किंगडम था इट वॉज एंड किंगट वॉज द नेम द नेम वॉज गढ़ कटांगा क्या नाम था गढ़ कटांगा एंड एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम दैट वॉज देयर इन दिस एरिया दिस किंगडम इट वॉज डिवाइडेड इन टू गढ़ ठीक है गढ़ कहते हैं ना जैसे चंदनगढ़ महेश गढ़ गढ़ मतलब दिस इज अ प्लेस बिच वॉज कंट्रोल्ड बाय अ गोंड क्लैन एक ही लोग थे और उसको पूरे को वो uh, रूल करते थे इट वॉज डिवाइडेड गढ़ वॉज डिवाइडेड इन टू हाउस एटी फोर इस विलेजेस को क्या कहते थे चौरासी हिंदी में जो कहते हैं अस्सी इक्यासी बयासी तेरासी चौरासी हिंदी वाली गिनती ज्यादा मुझे आती नहीं है बट आई होप आई एम करेक्ट इट वॉज कॉल्ड एज चौरासी एंड फर्दर चौरासी और दिस वॉज सब इट वॉज डिवाइडेड सब इन टू बरहोत बरहोत में ट्वेल्व विलेजेस होते थे ठीक है गढ़ क्या जो डिविजन था एटी फोर विलेजेस वेर दे आर चौरासी एंड देन चौरासी को बड़होत में डिवाइड करते थे इट वॉज मेड अप ऑफ ट्वेल्व इच है ना दीज आर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर एम सी क्यू पहला तो बड़होत क्या था चौरासी वॉज डिवाइडेड इन टू डैश तो आपको क्या बताना है बड़होत एंड बढ़ोत में कितने विलेजेस होते थे ट्वेल्व इलेवन टेन नाइन यास दीज काइंड ऑफ क्वेश्चन बी प्रीपेयर फॉर सच क्वेश्चन लार्ज स्टेट्स वेर कमिंग अप इन द गड किंगडम एंड इक्वल सोसाइटी वॉज देयर ग्रेजुअली अनईक्वल सोशल क्लासेस में इट वॉज डिवाइडेड ब्राह्मण क्या करते थे दे यूज टू गेट द लैंड ग्रांट्स गोंड राजा जो थे ना वो ब्राह्मण्स को अपने यहाँ पे काम पे रखा हुआ था उन्होंने ब्राह्मण्स हमेशा कहते थे ट्राइबल्स हैं जंगली हैं इनको तो जंगल में रहना चाहिए लेकिन द द गौंड किंग हैज एम्प्लॉयड द ब्राह्मण्स पूजा पाठ के लिए ब्राह्मण्स को सैलरी पे रखा हुआ था इमेजिन दैट काइंड ऑफ अ पावर द गोंड किंग्स हैड एंड ही वॉन्टेड ही सेट की हमको जंगली मत बोलो गिव स्टेट रेस्पेक्ट इन द सोसाइटी सो प्लीज रिकोगनाइज अज एज राजपूत हम गौंड हैं गाँव में रहने वाले हैं लेकिन प्लीज एक्सेप्ट अज एज राजपूत तो इसमें क्या था ना एक गढ़ा कटांगा का, का एक किंग था क्या नाम था किंग का प्लीज रिमेंबर द नेम ऑफ द किंग अमन दास और अमन दास ने एक टाइटल अपने आप को दिया क्या नाम दिया आपने शाह अमन दास वॉज संग्राम शाह एंड संग्राम मतलब जो लड़ाई में बहुत टॉप पे है ठीक है हु कैन डिफीट हिम दैट काइंड ऑफ अ पर्सन ही वॉज दैट्स वाई ही वॉज कॉल्ड एज संग्राम शाह और संग्राम शाह के जो बेटे थे उनका क्या नाम था दलपत तो दलपत ने क्या किया इन्होंने शादी की किससे शादी की दुर्गावती से शादी की कितनी सुंदर कहानी है आई डोंट अंडरस्टैंड वाई यू ऑल गेट नर्वस दिस इज सच अ गुड स्टोरी जिसमें कि पता चलता है कि अमन दास नाम का एक राजा था जिसको बाद में लोग संग्राम शाह बुलाने लग गए इनके एक बेटा था इनके बेटे का नाम क्या था बेटे का नाम था दलपत एंड इन्होंने दुर्गावती नाम की एक प्रिंसेस के साथ थी, एंड uh, दुर्गावती के पिताजी का नाम था सलबाहन एंड सलम कौन थे चंदेल राजपूत राजा थे महोबा के जो राजा थे उनकी बेटी थी दुर्गावती ओके okay? दलपत क्या हुआ ना डाइड अर्ली बहुत पहले मर गए दलपत रानी दुर्गावती की कहानियां बहुत फेमस फेमस हैं एंड वेरी कैपेबल एंड पाँच साल का इनका बेटा था लेकिन पांच साल के बेटे को आप किंग तो नहीं बना सकते ना सो फाइव ईयर ओल्ड सन जो था उसके नाम पे ये रूल करती थी इनका और सन का नाम था वीर नारायण वीर नारायण की मदर लुगी का आफ्टर द कंप्लीट एडमिनिस्ट्रेशन 1565 में क्या हुआ मुगल फोर्सेस अटैक्ट मुगल आसफ खान थे बिकॉज क्यों होता था कभी कभी सम ऑफ द गोंड सम ऑफ़ ट्राइबल किंगडम्स बिकेम वेरी पावरफुल एंड दे यूज़ टू चार्ज चार्ज मतलब दे यूज़ टू चैलेंज द मुगल्स तो मुगल्स को कहाँ बर्दाश्त कि उनके सामने कोई आवाज़ उठाए तो ऐसे लोगों की आवाज़ को दबा दिया जाता था एंड दिस इज वॉट वॉज डन गढ़ का टांगा में रानी दुर्गावती ने बहुत फाइट करने की कोशिश की लेकिन शी वॉज डिफीटेड एंड अपने आप को उन्होंने मार डाला शी प्रिफर टू डाई रादर देन सरेंडर लेकिन दुश्मन के सामने इन्होंने हथियार नहीं डाला ठीक है एंड इनके बेटे भी जो हैं वो ही ऑल्सो डाइड फाइटिंग सो तो अब आप ये देख लो गोंड किंगडम गोंड्स वेयर ट्राइबल्स गाढ़ा कटांगा इतना रिच स्टेट था बहुत सारा वेल्थ इनको मिला भाई ट्रैपिंग एंड एक्सपोर्टिंग वाइल्ड एनिमल्स ये वाइल्ड uh, एलिफेंट्स ये ना हाथियों का ट्रेड करते थे या सेलिंग एंड बाइंग एलिफेंट्स तो मुगल्स ने जब डिफीट किया गोंड को तो बहुत सारा प्रेशियस कॉइंस हैं एलिफेंट्स हैं इन्होंने क्या किया कि uh, जो किंगडम पे मुगल्स ने कैप्चर किया था मुगल्स डिफीटेड द गोंड्स एंड दे एंड ये जो किंगडम इन्होंने कैप्चर किया वो इन्होंने किसको दिया दे गिव इट टू चंद्र शाह जो है वीर नारायण के चाचा थे गॉट इट तो गढ़ इन गांड किंगडम जो है इट सर्वाइव्ड टिल डेट गांड किंगडम इज नोन एज गोंडवाना लैंड बिकॉज ऑफ द रूल दैट वॉज एस्टैब्लिश्ड बाई द गोंड्स उनके नाम पे ही दिस एरिया इज नोन एज गोंडवाना लैंड ठीक है दे बीकेम वेरी वीक एंड स्ट्रगल्ड एंड सक्सेसफुली स्ट्रोंगर बुंदेलाज वेयर देअर मराठाजेर देअर इनके खिलाफ लड़ते हुए इन्होंने अपनी जान दी एक तो गोंड्स की कहानी हो गई ट्राइबल पीपल की कहानी है ना नेक्स्ट स्टोरी दैट इज देयर इज ऑफ द अहम्स कहाँ के थे सबसे पहले तो ये समझ लो अहोम्स वेयर फ्रॉम असम यस चिल्ड्रन सो चिल्ड्रन गोंड्स की कहानी तो uh, मतलब अच्छी थी अभी अहम्स का ये समझो कि uh, एक नया स्टेट इन्होंने बनाया दे हैव मेड अ न्यू स्टेट एंड दे द ओल्ड पॉलिटिकल सिस्टम जिसमें कि देर वेर द लैंड लॉज लैंड लॉज को ना आसाम में क्या कहते थे भुइया क्या कहते थे भुइया यस yes. अब किंगडम ऑफ ऐसे एक्चुअली इट इज छियुतिया ठीक है एंड कोच हाजो दिस आर द एस एमिस टर्म्स गाट इट ये एस का जो वर्ड्स uh, है एस का जो टर्म्स है वो हैं ये एंड बहुत सारे ट्राइब्स को इन्होंने दबाने की कोशिश की दे सब्जुकेटेड मनी ट्राइब्स अहम्स ने बहुत बड़ा एक स्टेट बनाया एंड बंदूकदूक का भी इस्तेमाल किया दे यूज फायर आम्स एंड एज अर्लीज जैसे कि फिफ्टीन थर्टीज़ में 1660's में क्या हुआ ना कि गन पाउडर कैनन्स भी इन्होंने बना लिए थे uh, तो पोप का भी ये इस्तेमाल करते थे एंड uh, uh, इनके पास बुलेट्स uh, भी थी बंदूक भी हुआ करते थे गॉट इट तो इसके वजह से क्या हुआ ओके

मुगल्स ने मुगल्स को हमेशा ट्राइब्स के साथ दे हैड सम और दी अदर प्रॉब्लम चाहे वो uh, हो और दे आर सम अदर ट्राइबल ग्रुप्स कोई भी ट्राइबल ग्रुप दैट वाज देयर ऑल दीज ट्राइबल ग्रुप्स हैड सम और दी अदर प्रॉब्लम विद द मुगल्स मेरे जुमला का नाम याद रखिएगा बहुत इनका डिफेंस बहुत वेरी स्ट्रॉन्ग आसानी से इनके नहीं कर सकता लेकिन इतना डिफेंस तगड़ा था लेकिन फिर भी अहोम्स जो है वो डिफीट हो गए डायरेक्ट मुगल कंट्रोल था ओवर द रीजन इट कुड नॉट लास्ट वेरी लॉन्ग बहुत दिन तक नहीं रहा तो अहोम स्टेट जो है ना इट वाज डिपेंडिंग ऑन फोर्स लेबर काफी जबरदस्ती इनसे काम करवाया जाता था एंड द पीपल हु बहुत फोर्सफुली uh, uh, जिनसे काम करवाया जाता था देवेर कॉल्ड एज पाइक्स क्या कहते थे पाइक्स एंड पॉपुलेशन का जब पंट नंबर uh, uh, लिया गया ना वेन द पॉपुलेशन वॉज काउंटेड ईच विलेज को Um, had to टू सेंड अ नंबर ऑफ पाइक्स बाई रोटेशन घर घर जाके लोगों की गिनती करनी है तो वेरी स्ट्रॉन्ग एंड रिलान दैट जॉब में से देर शिफ्ट एरिया अहोम क्लांस जो है ना धीरे धीरे अहोम क्लांस जो Clans we have already discussed. It was broken up. Palace 17th century. Mein. Administration was a centralized Bilkul central administration was there. Eki Raja hua karte the, And all the males served in the army. That's why their defense was very strong. Kabi Kabi uh, they were building <coughs> dams, irrigation system, other public work. A uh, new method of rice cultivation uh, was also introduced. Ants or clans bhi sakte ka say? kales. Two castes were there, artisans were there, uh, and Ahom uh, home areas may they were all coming from the nearby kingdoms. तो खेल क्या होता था इट वॉज कंट्रोलिंग सेवरल विलेजेस पीजेंट्स को लैंड दिया गया बाय द विलेज कम्युनिटी किंग जो है ना ये भी नहीं ले सकते थे इनके लैंड विदाउट द कम्युनिटीज कंसेंट अगर किसी कम्युनिटी को लैंड uh, uh, दे दिया है तो इवन द किंग ऑल्सो कैनोट आस्क अ होम्स जो है ना दे इनके अपने अपने ट्राइबल गॉड होते थे जंगल के जो देवता होते हैं यस दे वर्शिप दे आर ओन गॉड देआर ओन देवता फर्स्ट हाफ ऑफ द सेवनटीन सेंचुरी में क्या हो गया ना ब्राह्मण्स का पावर इंक्रीज होता चला गया दे वर ग्रांटेड लैंड बाय द किंग एक जैसे कि एक राजा थे अहोम्स के सिब सिंह क्या नाम था Actually, शिव सिंह एक्चुअली इट इज शिव लेकिन वो ना शिव नहीं बोलते वो नहीं बोलते ब बोलते हैं शिव तो शिव सिंह थे हिंदुज्म जो है उस समय बहुत ज्यादा बढ़ गया द किंग वॉज सपोर्टिंग द ब्राह्मन एंड ही वॉज अ ग्रेट वर्शिपर ऑफ लॉर्ड शिवा अहम किंग्स ने अपनी ट्रेडिशनल बिलीफ को कभी भी नहीं छोड़ा it was very sophisticated society bahut hi society the poets the scholars thi. and uh, theater was also encouraged so important work of sanskrit were translated into local languages historical work tha jaise buranjis Pahle in a home language and then it was written in assamese language तो ये सारी चीज़ें देखने के बाद हमको समझ में आता है वी हैव कंप्लीटेड द चैप्टर दैट मेनी न्यू किंग्स वेयर कमिंग अप मेरी न्यू किंगडम्स वेअर कमिंग अप एंड अहम्स वेयर अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दैट दीज ट्राइबल ग्रुप हाउ दे रोज टू सच अ ग्रेट एक्सटेंट दिस इज वॉट इज समथिंग दैट इज़ वेरी रिमार्केबल So, uh, both the caste system was there, Hindus were there, some tribes they were establishing extensive states, uh, well organized system of administration was there. Isse kya ho gaya? Politically, they became very powerful, and kafi a conflict way as logo people But uh, they established a very powerful and complex kingdom. Ferye Mongols ka paragraph is there, just go through it. यहाँ पे मैच दी फॉलोइंग है गढ़ वॉज द गढ़ का टांगा टांडा देन यू हैव द दुर्गावती ठीक है शिव सिंह वॉज आपको ये मैच दी फॉलोइंग वेन यू विल बी डूइंग देन यू विल बी अंडरस्टैंडिंग जैसे पाइक थे अमंग्स द टांडाज दे वेयर द लेबर वेयर देअर हुआ द By Sib Singh was there, Sib Singh was from a home state. So, this uh, match karna hai. Ye, uh, match the following. I will be discussing it in the class, and then we will be also discussing the fill in the blanks. Also, got it, children? So, uh, these things when we will be doing it would be a good uh, exercise, it would be a good press for your. Annual examinations. Okay, children, till then, thank you so much and all the best to you.